हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड ब्लॉग्स बाय सोनी। मैं कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ये ब्लॉग है जब छोटी यानी कि मेरी जो सिस्टर की शादी हुई थी, वो अपने ससुराल से आज वापस आ रही हैं। जब उनकी शादी हुई तो वो दो तीन दिन बाद वो घूमने चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ नेपाल, और ये पशुपतिनाथ जो मंदिर है वहाँ चले गए थे वो लोग घूमने के लिए। उसके बाद से अब लौट के आई हैं, तो एक रात के लिए आई हैं, जैसे कि आज आई हैं, कल फिर ये चली जाएंगी। इसी ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा वो चली भी जाएंगी, और उसके बाद फिर हम भी अपने घर पर आ जाएंगे, यानी कि नोएडा हम भी आ जाएंगे, ग्रेटर नोएडा में अपने। तो दोनों चीज़ें आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। और कैसे लगे आपको मेरे ब्लॉग जो मैंने डाले हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और देखिए, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ बाहर अपने गेट पर, अपने मायके के घर में। तो मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ, चोटी का वेट कर रही हूँ, और शाम के बज रहे हैं 6:30 के करीबन, क्योंकि उनकी जो ट्रेन है वो इटावा में शताब्दी एक्सप्रेस 6 बजे करीबन आने वाली थी, तो वे लोग पहुंच गए थे। तो मैं यहीं पे उनका वेट कर रही हूँ, क्योंकि जब लड़की आती है ना तो पानी उसार के कुछ किया जाता है, तो वही हम करने के लिए यहाँ पे खड़े थे। तो यहाँ पे देखिए ये लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए लोग आ गए, इनकी गाड़ी आ गई है, और इनकी थोड़ा ऑफिस का काम चल रहा था तो ये अपना काम भी कर रहे थे, तो चले गए। बोले चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, तो फिर ये चले गए। तो देखिए लेकर आए हैं, और आज छोटी आ गई हैं, तो कल देखो हम लोग कहीं घूमने भी जाएंगे। आप लोगों को मेरे ब्लॉग देखने को मिलेंगे कि हम कहाँ घूमने गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हम घर जाके जो है अपलोड करेंगे। यानी कि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है, इस वजह से बहुत सारे ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाए मैंने, तो घर जाके आपको देखने को मिलेंगे वो ब्लॉग। चलो चलो आ जाओ, कैमरा मैन लगे हैं सामने। अबे उतरी नहीं छोटी, जल्दी करो भाई, मेमोरी भर जाएगी। तो देखिए अब बहना जो है वो उतरने वाली है, और 10 मिनट हो गए मुझे कि अभी उतरेंगी अब उतरेंगी, पता नहीं क्या कर रही थी गाड़ी में, तो उतर गई फाइनली ये। आ जाओ आ जाओ, रुको संदीप पानी ले आना, ही रुको ही रुको ही रुको, गोपाली तुम भी इधर ही रहो। संदीप पानी ले आ गिलास, चलो वेलकम। से रुको, वहीं रहो, वहीं खड़ी रहो, खड़ी रहो, वहीं रहो, अभी उधर ही रहो। तुम दोनों लोगों का वेलकम। गोपाल जी वेलकम बोलो। हाँ हम यहीं पर खड़े तब से, चलो बंद करें। तो यहाँ पे देखिए हम पानी उतार रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कभी भी जाते थे इतने सालों से, वो हमेशा जब अंदर तभी जाने देती थी जब पानी उतार देती थी पहले। हम और गोपाल जी जब भी गए हैं, हमेशा जब भी हम अकेले भी गए तो भी उन्होंने पहले पानी उतारा है, तो इसीलिए मुझे भी याद आ गया। दांत बाहर नहीं, दांत बंद करो। और कल शाम को ये चली भी जाएंगी, तो इनकी जाने की भी तैयारी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए ये जा रही है, सब आओगे एक तरफ से। स्वेटर पहन लो ना, स्वेटर पहनो, ऐसे चुपके से बना के कैमरा निकाल के। अम्मा जी भी आ गई, अम्मा जी ठीक हो? हाँ तुम भी हमारे वीडियो में आ गई हैं। तो छोटी चली गई हैं, उनकी विदाई वाले उनकी विदाई करा ले गए हैं कल शाम को, और अब हम भी जाएंगे क्योंकि हमने अपनी भी तैयारी कर ली है, तो कल हमें भी निकलना है, कल या परसों हम भी निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गोपाल जी कर रहे हैं बहुत मस्ती यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे संदीप बैठे हैं, गोपाल जी डांस कर रहे थे तो हमने कहा कि इधर करो, तो वो नहीं कर रहे हैं। तो छोटी तो चली गई अपने ससुराल, अब हम भी अपने ससुराल जो है कल चले जाएँगे या परसों चले जाएँगे। और ये अम्मा जी हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं और मेरे साथ हमेशा बनी रही, जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे विदा करके ही वो गई हैं। तो ये अम्मा जी हैं और इनसे मैं कभी मिलवाऊंगी आपको। और ये है दोस्तों इटावा का लाइन सफारी, हम इसी के सामने से जस्ट निकले थे, तो 2 मिनट के लिए हम यहाँ पर रुक गए, तो हमने कहा थोड़ा सा बना लिया जाए। वैसे मेरा मन था कि मैं लाइन सफारी घूमने जाऊँ, लेकिन हम नहीं जा पाए यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि टाइम ही नहीं था और इनका ऑफिस चल रहा था, तो इस वजह से हम चले आए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से कितना सुंदर लग रहा है बाहर से देखने में, अंदर कितना अच्छा होगा मालूम नहीं मुझे, लेकिन बाहर से अच्छा लग रहा है, अंदर भी बहुत ही अच्छा होगा। और इसके चारों तरफ बाउंड्री है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया है ये लाइन सफारी। अगर आप लोग घूमने गए हो यहाँ पर कभी या नहीं गए हो, तो आप लोग अगर इटावा जाना तो आप लोग ये ज़रूर घूमना, क्योंकि ये इटावा में ही है, और आप किसी से भी पूछोगे आपको हर कोई बता देगा ये कि कहाँ पे है, बहुत अच्छी जगह है। और इटावा का काली वाहन मंदिर, वो भी आप ज़रूर घूमना। और
बहुत ही अच्छा बना है ये, तो मैंने जो है थोड़ा सा सूट कर लिया और अब यहाँ से आगे चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम जो है यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुके हैं और एकदम सीधा रोड है, सीधा वहीं रुकेंगे जाके, सीधा हम ग्रेटर नोएडा ही पहुँचेंगे क्योंकि कहीं भी रुकना नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं करना है और सीधा है, एकदम सीधा पहुँचेंगे। तो यहाँ पे देखिए सरसों के खेत कितने सुंदर लग रहे हैं, येलो येलो पूरा सरसों, ऐसा लग रहा था जैसे फूल ही फूल है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये थोड़ा सा सूट कर लिया क्योंकि सरसों के खेत देख के तो किसको भी किसी का भी मन कर जाएगा सूट करने का, येल्लो येल्लो इतना सुंदर लगता है कि क्या बताऊँ आपको। तो यहाँ पे देखिए हम पहुँच चुके हैं टोल टैक्स पे और यहाँ पे देखिए कितना सारा जाम लगा है, 2 से 4-5 मिनट तो यहीं पे लग गए, ज़्यादा ही लग गया बल्कि टाइम यहाँ पे। और ये देखिए, और एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए मेरी जैसी गाड़ी एक और जा रही है कार यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम रास्ते से निकलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये गाड़ी मुझे ना मिले, हमेशा मिलती है। और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी चिड़िया कितनी सुंदर लग रही हैं और ये यहीं पर देखने को मिलती हैं। बस ये शाम को बज चुका है, 5 बज रहा है और हम अपने घर पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे अपने घर। और ये देखिए आ चुका है गौ सिटी मॉल जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, तो हम पहुंच गए हैं बिल्कुल बिल्कुल घर के पास में है। तो बताना दोस्तों आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, और अब हम आ चुके हैं अपने घर पर नोएडा में, तो आप लोगों से और भी ब्लॉग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ आइए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।